हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और मोस्ट वांटेड सीरीज 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। आज है थर्ड डे और हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल एंड जो भी डिफरेंसेस हैं उनके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इवन हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसको भी डिस्कस कर लिया है कि आखिर वो है क्या। तो आप लोगों को मालूम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। वो सभी ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है और जिनके फंक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए होते हैं, उनका फॉर्मेशन भी एक दूसरे से ही होता है। जैसे कि लाइसोसोम जो है वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम गॉल्जी बॉडी, और गॉल्जी बॉडी जो है वो किससे फॉर्म होती है भाई, ये है आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, चलिए अभी देखिए हम लोग आगे आप पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अनदर ऑर्गेनेल जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और आप लोगों के रिस्पॉन्स के साथ साथ में हमें पढ़ाने में भी बहुत ही मजा आ रहा है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसको देखते ही सबके दिमाग में क्या आ जाता है, ये है पावर हाउस है ना हमारी बॉडी का। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होती है, एटीपी स्टोर होती है। चूंकि यहां एटीपी स्टोर होती है इसीलिए हम इसको हमारी सेल का क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, सेल का पावर हाउस। ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसी है भाई, शू शेप जो है हमें स्ट्रक्चर जो है इसकी नजर आती है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको कई सारे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो क्रिस्टा है ये एक्चुअल में फोल्ड्स हैं। कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू बनते हैं, ये बनते हैं इनर मेम्ब्रेन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इनर मेम्ब्रेन यूज किया है तो वहीं से आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स में कौन सा ऑर्गेनल आता है, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया उसी में से एक है, क्योंकि इसकी एक मेम्ब्रेन जो होती है आउटर और दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है इनर। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ने आगे क्या बनानी है, इस तरह से ये देखिए फोल्ड्स क्रिएट कर लिए जिनको हमने क्रिस्टा बोला है, और वो स्पेस जो इस क्रिस्टा के बीच में है, इनर मेम्ब्रेन ने जिसको घेर के रखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो दो तरह के स्पेस आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो मैट्रिक्स पोर्शन वाला और दूसरा आपको मिलता है ये आपके इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। राइट, तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। क्लियर रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होता है, अब्सेंट होता है, उसमें ये प्रेजेंट नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। एंड सबसे बेस्ट बात इसकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये उसी सेल में ज्यादा होता है जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो रही होती है, ज्यादा हो रही होती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स के अंदर ये हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर इसका खुद का डीएनए भी होता है, और वो डीएनए कैसा होता है भाई, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। उसी के साथ में इसमें हमें देखने को मिलते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं ऐसे ऑर्गेनेल के लिए, सेल विद इन ए सेल। क्यों भाई, क्योंकि एक यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोकैरियोटिक सेल टाइप स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है इसका। ये हम, ये क्या है, ये ऑटोनोमस है ना ऑर्गेनेल, ये अपने आप पे खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खुद की प्रोटीन भी बना सकते हैं। क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए डीएनए, जो कि क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लेके आएगा किस तरह की प्रोटीन बनानी है। राइट, यहीं से तो बनेंगे एमआरएनए, और ये एमआरएनए जब जाके जुड़ेगा किसके साथ में, राइबोसोम के साथ में, तो वहां पे क्या होगा, उस एमआरएनए जो है उसका ट्रांसलेशन होगा एंड देन बनेगी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने लिए प्रोटीन बना सकता है, यानी कि इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के अंदर भी इसका क्या है, रोल प्ले होता है। ठीक है, हेरिडिटी के लिए भी ये क्या है, उत्तरदायी है। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने चार्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड की है, आप लोग फटाफट से चार्ट को देखिए, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कैसा होता है शेप में, देखिए सिलेंड्रिकल हो सकता है, सुसेप शेप इसकी हो सकती है। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो है डायामीटर में अगर आप देखेंगे तो 0.221 म्यू एम है। ओके, एंड देन लेंथ क्या हो सकती है, 1 to 4.1 म्यू एम इसकी लेंथ होती है। क्लियर, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये किस तरह से डिवाइड करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया बाय फ्यूजन जो है ये क्या कर सकते हैं, डिविजन शो कर सकते हैं। क्लियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। इसी के साथ में
इनका जो मैट्रिक्स पोर्शन है उसमें क्या क्या चीजें हैं भाई, उसमें है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, आरएनए है, और आरएनए के ये जो आरएनए है ये कहां से बन रहा है, डीएनए से ही बन रहा है, और 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है। राइबोसोम जो होते हैं उसकी दो यूनिट होती है, 70s की, 50s एंड 30s, बार बार लिख दिया गया है आपको याद रहे इसके लिए। चलिए इसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम लोगों ने कर लिया है कि दो तरह के इसमें क्या है, कंपार्टमेंट है, आउटर एंड इनर। चलिए अगर हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ये रोल क्या प्ले करता है, तो ये रोल प्ले करते हैं एटीपी प्रोडक्शन का, ठीक है, इसीलिए इनको हमने पावर हाउस बोला है। और ये क्या करवा रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार कई बार पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन के लिए एसोसिएटेड एंजाइम कहां प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो याद रखिए उसकी इनर मेम्ब्रेन पे। आप लोग जब स्ट्रक्चर ईटीए साइकिल पढ़ते हैं तो कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे बनाते हैं जहां पे क्या होते हैं ये आपके F1 पार्टिकल्स हैं, ये ETA साइकिल जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर परफॉर्म होता है, तो ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो भी एसोसिएटेड होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से। यहां F1 पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिजियोलॉजी के अंदर हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे ETA साइकिल के बारे में, अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है। प्लीज NCERT से बाहर मत जाइए, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में आ जाते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड की प्रेजेंस जो है ये करेक्टर है किसका, प्लांट सेल का, ठीक है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे प्लास्टिड है क्या, प्लास्टिड जो है वो कई तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। प्लास्टिड एक्चुअल में कलर जो है वो भी देता है, प्लास्टिड जो है वो स्टोर भी करता है किसको, फूड को, और प्लास्टिड जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हम ये बोलते हैं कि वो फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं प्लांट के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ वो किस तरह का काम कर रहे हैं प्लास्टिड जो है वो क्या होते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से है भाई, एक है आपका क्रोमोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट किसको बोल रहे हो, वो जो कलर शो करते हैं, ठीक है ना। अब कलर कैसे, फॉर द एग्जाम्पल एक चिली है, मिर्ची है, है ना, यंग जब मिर्ची होती है तो कैसी दिखती है, ग्रीन कलर की दिखती है, पर वो जब पक जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो वो रेड कलर किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, यानी प्लास्टिड प्रेजेंट है बट कैसे है, क्रोमोप्लास्ट है जिसकी वजह से कलर आ रहा है। अब ये कलर किसकी वजह से शो होता है, क्योंकि इनमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से पिगमेंट है भाई, कैरोटीन है, जेंथोफिल है, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन जो है ये क्या है, पिगमेंट्स है जिनकी वजह से कलर शो होता है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली प्रेजेंट होता है, क्लियर। चलिए नाउ ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर लेस होते हैं बट इनका मेन फंक्शन जो है वो स्टोरेज का होता है। अब ये किस तरह का फूड स्टोर करते हैं इसके बेसिस पे फिर इसके अंदर क्या होते हैं, तीन टाइप आ जाते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलाइओप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। अगर स्टार्च को स्टोर किया देन उनको हमने क्या बोला, एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन स्टोर किया, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोन लेयर याद होगी, याद है कि नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं ना जब हम लोग पढ़ते हैं मोनोकोट्स के बारे में, वहां एल्यूरोन लेयर के बारे में, प्रोटीन की तो लेयर होती है तो एल्यूरो वर्ड आता है, वहीं से समझ जाइए। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं एंड एलाइओप्लास्ट जो है ये फैट ऑयल यानी लिपिड को स्टोर करते हैं। तो ये जो है कलर लेस है बट इनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का होता है। यंग फ्रूट जब होता है जिसका कोई कलर नहीं होता, यंग फ्रूट को आगे क्या है, अभी ग्रोथ शो करनी है, तो वो क्या करके रखते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। तभी उस कंडीशन में उनके अंदर किस तरह के हम ये बोलते हैं कि प्लास्टिड होते हैं, वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ओके नाउ क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा मेन प्लास्टिड जिसकी वजह से होता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन कलर के होते हैं और जिनमें ये जहां प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से वहां ग्रीन कलर शो होता है। लीफ के अंदर अगर आप लोग देखेंगे वो ग्रीन कलर की है, रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। चलिए नाउ क्लोरोप्लास्ट जो है अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपके दिमाग में इमेज क्रिएट नहीं है तो आप कभी भी डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को समझ नहीं पाएंगे, आखिर वो हो कहां रही है। फिर आप रट्टा मार सकते जरूर है कि हाँ भैया ये स्ट्रोमा पार्ट के अंदर हो रही है और ये थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है, बट अगर आपके दिमाग में इमेज क्रिएट है क्लोरोप्लास्ट की देन वो फिर रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आपको याद रहेगा। तो देखिए ये क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी देखो आउटर और इनर मेम्ब्रेन में से कोई भी मेम्ब्रेन ऐसी नहीं है जिसके अंदर फोल्ड हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्ड है ना इनर मेम्ब्रेन में, ऐसा नहीं है, ये दोनों कंटिन्यूअस जो है लेयर है। फिर अगर हम लोग देखेंगे इसके मिडल का पोर्शन, इस मिडल पोर्शन को इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड मटेरियल है, यहाँ पे सेमी फ्लूइड है जो भरा रहता है, इसके अंदर कई सिक्के के ढेर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम हर एक फ्लैट इस चपटे को देखेंगे, ये फ्लैट जो है ना
एकदम डिस्क जैसी स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ये अगला सिंगल क्या है, थाइलेकॉइड है, यही है थाइलेकॉइड। ठीक है, क्लियर आप लोगों को। और ये जो ग्रुप में प्रेजेंट है, ये ढेर जो प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ग्रेना है। सिंगल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ग्रेनम। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और भी लैमेलीज प्रेजेंट होती है, वो लैमेलीज जो दोनों हम ये बोलते हैं ग्रेनम जो है उनको जोड़ने का काम करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेलीज बोलते हैं। बार बार जब स्ट्रक्चर बताते हैं तो भैया इन लैमेलीज के बारे में भी क्यों बताया जाता है, क्योंकि ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और जब वहां पे आप पढ़ते हैं ये जेड आप पढ़ते ना कि वहां पे आपके लिए रिएक्शंस जो होती हैं, फोटोसिस्टम जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होता है एक साइक्लिक होता है और एक नॉन साइक्लिक होता है, तो वो जब पढ़ रहे होते हैं तो वहीं पे आपको ये दिमाग में आते हैं, कंपैरिजन हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। चलिए वो डिस्कस हम फिजियोलॉजी में करेंगे, पर अभी मैं बता देती हूँ स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है आपको। चलिए, तो ये है स्ट्रोमा लैमेलीज। थाइलेकॉइड की अगर हम बात करें तो थाइलेकॉइड खुद भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हम ये बोलते हैं पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, जो फोटोलाइट को ट्रैप करती है एंड केमिकल एनर्जी के अंदर क्या करती है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं थाइलेकॉइड के अंदर। सीधा सिंपल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बट स्ट्रोमा पार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट होता है, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल, एंड इसके अलावा इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। और ये राइबोसोम कैसे होते हैं भाई, ये राइबोसोम होते हैं 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी ये भी है ऑटोनोमस और ये भी इनहेरिटेंस हेरिडिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ द क्लोरोप्लास्ट का पूरा व्यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए चार्ट के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है, अगर इसका साइज देखेंगे तो लेंथ है 5 to 10 μm एंड द विड्थ होगी 2.4 μm। बेटर होगा कुछ कुछ चीजें जहां पे मेंशन है एनसीईआरटी में उनकी अगर साइज, तो प्लीज उसको याद कर लीजिए, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं। शेप देखेंगे तो अलग अलग तरह की शेप होती है इनकी, ओवल शेप भी, डिस्कॉइड भी है, रिबन, स्फेरिकल, लैंड शेप, ये कई तरह की होती है। एल्गी जब आप पढ़ते हैं तो वहीं पे आप पढ़ते हैं कि कई तरह के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनकी शेप हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी जो है शेप के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नंबर में अगर हम देखें तो क्लेमाइडोमोनास जो है उसके अंदर क्या है, एक सेल के अंदर एक ही कप शेप होता है ना, आप क्लेमाइडोमोनास बनाते हो तो कप शेप, यहाँ क्लोरोप्लास्ट बनाते हो तो कप, एक सिंगल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। बट अगर मीजोफिल की बात करेंगे, लीफ के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो पर सेल जो है 20 to 40 जो है क्लोरो, हम ये बोल रहे क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। तो आपको ये डाटा याद करना है, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए। चलिए नाउ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वही डबल मेम्ब्रेन है। अगर स्पेस की बात करेंगे इनर स्पेस की, तो उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं ना कि डार्क रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होती है स्ट्रोमा पोर्शन के अंदर, ठीक है, वहीं से ये, इसीलिए बार बार आपको बोला गया है कि आपको इसको याद करना है, ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए नाउ थाइलेकॉइड के बारे में, तो आपको पता है थाइलेकॉइड किनको बोलते हैं, वही चपटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेकॉइड बोल रहे हैं, जिनकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है, वहीं उन्हीं को जब क्या है ग्रुप में प्रेजेंट है तो हमने क्या बोल दिया है, ग्रेना बोल दिया है, सिंगुलर को ग्रेनम बोलते हैं। स्ट्रोमा लैमेलीज जो है इसमें भी लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है, और ल्यूमेन जो है, हाँ भी थाइलेकॉइड के अंदर ल्यूमेन होती है, और जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर बनाते हो ना आप लोग, इस तरह से बना के और आप लोग पढ़ लेते हो इसके अंदर क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आप इनकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, लाइट रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होती है, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड जो है प्रेजेंट होते हैं, ये सब हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आगे करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेल, और वो है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में बड़ा सिंपल एंड स्वीट है, मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इनमें दो ही चीजें आपको याद रखनी है, एक तो आरआरएनए और दूसरा प्रोटीन, यानी कि इसके अंदर क्या है, सिर्फ आरआरएनए एंड प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। राइबोसोम दो तरह के हो सकते हैं, 70s एंड 80s। 70s प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, याद रखिए, 80s प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। कभी कभी पूछते हैं यूकैरियोटिक सेल में, दोनों ही तरह के हैं, क्योंकि ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट उन दोनों के अंदर भी क्या है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, तभी सेल विद इन ए सेल जो हम ऑर्गेनेल के बारे में बात करते हैं तो उन्हीं दोनों की बात करते हैं। चलिए फिर हम अगर राइबोसोम के बारे में बात करें, तो राइबोसोम को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, किसने देखा, तो वहां नाम आ जाता है पैलेट का, 1953 के अंदर उसने उसको देखा। टाइप हमारे पास में दो है, सब यूनिट आपको याद रखनी है, 50 and 30 या 60 and 40। इसका मतलब आप लोग सब समझते हैं, सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है ये
स्वेडबर्ग यूनिट है ना, उनको जब क्या किया गया, सेल को सेडिमेंट किया, तो जहां पर ये सेट हो जाती है वहीं पे उसके लिए एक यूनिट जो है स्वेडबर्ग ने बताई, तो उसको एस बोला। तो ये इनके लिए सेडिमेंटेशन जो है वो कहां हो रहा है, 60 एंड 40 पे होता है। इसकी दो, हम राइबोसोम का जब स्ट्रक्चर करते हैं आपको पता है उसकी दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल है 40s एंड लार्ज जो है वो है 60s, इन द केस वो 70s, ये है स्मॉल है 30s एंड जो लार्ज है वो है 50s। चलिए, लोकेशन भी आप लोगों को मालूम है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों के अंदर ये प्रेजेंट है। इसी के साथ में इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होती है, राइट। उनको हम रेफ ईआर बोलते हैं, इसीलिए जो आरईआर जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर होता है। और राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस जहां होगा वहां क्या मिलेंगे, ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। चलिए ये देखिए फंक्शन के बारे में यहां लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं हमारी बुक के अंदर, ये सभी चार्ट प्रोवाइडेड है। चलिए, नाउ द साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर कुछ फिलामेंट प्रोटीनेसिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में लोकलाइज रखती है। समटाइम ये जो है, हम ये बोलते हैं कि ये जो है जो प्रोटीनेसिस फिलामेंट जो है ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने का काम भी करते हैं, और उसके अलावा कुछ अनदर ऑर्गेनल जैसे कि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एनिमल सेल के अंदर उनका फॉर्मेशन जो है वो भी इनके थ्रू होता है। ये तीन चीज तीन है साइटोस्केलेटन में एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको याद रखना है माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अभी देखिए इसमें माइक्रोट्यूबुल इंपॉर्टेंट है, वो रीजन ये है कि माइक्रोट्यूबुल की जब स्ट्रक्चर करते हो तो आपको पता चलता है कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ट्यूबुलिन प्रोटीन के इस तरह से क्या होते हैं, दो डायड होते हैं और ये इस तरह से स्फेरिकल जो है अरेंज रहते हैं। अगर इसका टीएस सेक्शन देखें, इस ट्यूब्यूल का टीएस सेक्शन देखेंगे तो हमें नजर आएंगे 13 इस तरह से ट्यूब्यूलिन के जो है, सिर्फ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जो है नजर आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो इस तरह से जब सेक्शन करोगे तो आपको नजर आता है कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए प्रोटोफिलामेंट्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट होता क्या है, ये डायड होते हैं और ये स्पाइरल अरेंज रहते हैं, सेक्शन के अंदर हमें 13 नजर आते हैं ये, ठीक है। यही माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये फॉर्म करते हैं किसको, आपके सेंट्रियोल को फॉर्म करते हैं। इसके अलावा यही माइक्रोट्यूबुल जो है स्पिंडल फॉर्म भी करते हैं सेल डिवीजन के लिए, जिसकी वजह से क्रोमोसोम डिफरेंट डिफरेंट पोल की तरफ मूव करते हैं, क्लियर। तो माइक्रोट्यूबुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फंक्शन वही मैकेनिकल सपोर्ट का है, ऑर्गेनल जो है उनको सबको रखता है, मोटेलिटी के अंदर है बिल्कुल, रीजन ये क्योंकि माइक्रोट्यूबुल फॉर्म करेंगे सेंट्रियोल को, एंड सेंट्रियोल जो है वो सीलिया एंड फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी सेल जो है अगर कोई अगर हम बात करेंगे किसी भी सेल की, तो उसमें मोटेलिटी जो है वो उसकी वजह से आएगी। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, बिल्कुल ये तो है क्योंकि सेल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे साइटोप्लाज्म ये डिजोल्व कंडीशन में मिलते हैं, सेल को सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज साइटोस्केलेटन इसको इसी तरीके से इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा ये पूछा नहीं जाता है, क्लियर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज सीलिया एंड फ्लैजिला, कि सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है। तो देखिए सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में आपको मालूम है, फ्लैजिला जो है और सीलिया जो है इनकी वजह से अगर यूकैरियोटिक एनिमल सेल अगर है तो वो क्या करती है, मूवमेंट लोकोमोशन, हम ये हमें कह सकते हैं लोकोमोशन शो करती है, जैसे कि पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो ये यूकैरियोटिक सेल है और इसकी पूरी बॉडी पे इस तरह से क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये मूवमेंट शो करती है। अगर युग्लिना की बात करेंगे तो देखिए युग्लिना में भी क्या होता है, एक सिंगल इस तरह से क्या है दिखाई देता है, वैसे तो होते दो है लेकिन एक ही हमें नजर आता है, तो ये सिंगल जो है आपका फ्लैजिला जो है वो क्या करता है, इसके अंदर लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों ही लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। चलिए इसी में ध्यान रखना है, कंपैरिजन अगर याद रखेंगे तो सीलियरी मूवमेंट जो होता है वो फास्ट होता है, जबकि फ्लैजिलर मूवमेंट जो होता है वो स्लो होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फ्लैजिला साइज में लॉन्ग होता है जबकि सीलिया साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इनकी बेसल बॉडी जो है वो किसकी वजह से बनती है, वो माइक्रोट्यूबुल से बने सेंट्रियोल की वजह से बनती है, ठीक है। बेसल बॉडी को हम बोलते हैं सेंट्रियोल से बनती है, तो ये हम बोलते हैं कि सेंट्रियोल से बनी होती है, इसीलिए हमने एक फंक्शन माइक्रोट्यूबुल में यही रखा था, मोटेलिटी, क्लियर। अगर हम इसका टीएस सेक्शन देखेंगे तो आपको टीएस सेक्शन में 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए। 9 इसके अंदर क्या है, आपके वही
माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो अरेंज है पेरिफ्रली, लेकिन डबलेट के फॉर्म में होते हैं। ये देखिए सब जो है वो क्या है, डबल है, वन एंड टू, वन एंड टू, डबलेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए इनके बीच में इंटर डबलेट ब्रिज प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट जो सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं वो डायड के फॉर्म में नहीं होते, वो सिंगल सिंगल होते हैं। और बट एक चीज ध्यान रखिए, ये जो सेंट्रल वाले जो है ये सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं पेरिफ्री से, ठीक है। इनके साथ में ये क्या है, कनेक्टेड है। इनके बीच में प्रेजेंट होती है सेंट्रल शीथ जो इनको कवर करके रखती है, और यहां पर क्या है प्रेजेंट होते हैं, रेडियल स्पोक जिसकी वजह से ये कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9+2 अरेंजमेंट हम इसको बोलते हैं जो पाया जाता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर, ठीक है। किसके बने हैं ये, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल खुद किससे बना होता है, प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, और वो किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है, डिटेल हमें दिया नहीं है तो क्यों हम फालतू में ज्यादा माथापच्ची करें, चलिए। के सील एंड फ्लैजिला के बारे में और कुछ बातें अगर हम देखेंगे तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर ही ली है। ये एक चार्ट है जिसको आप अगर अच्छे से पढ़ के रखेंगे तो बेटर होगा, इजी वे में वही सारी बातें जो मैंने बोली है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें रिटर्न में चाहिए तो उनके लिए ये प्रोवाइड कर दिया है हमने, बुक में भी ये प्रोवाइडेड है तो वहां से आप ये ले सकते हैं। चलिए नाउ द नेक्स्ट आ जाते हैं। ये सारे हम बोल रहे हैं डाटा जो है सील एंड फ्लैजिला के से रिलेटेड एनसीईआरटी में दिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं तो कई बार मैच द कॉलम के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया है। सीलिया साइज में स्मॉल होते हैं, फ्लैजिला साइज में लॉन्ग होते हैं। पहली चीज, ये सीलिया जो है इनकी क्वांटिटी अगर पर सेल देखें तो ज्यादा होती है जबकि फ्लैजिला की कम होती है। आप दो दिमाग में अपने ना यूग्लिना और पैरामीशियम को चला के रखिए, कंपैरिजन बहुत आसान हो जाएगा। सीलिया जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट मूव क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये मूव करते हैं, ठीक है, जबकि फ्लैजिला जो होते हैं ना ये इंडिपेंडेंट अपना मूवमेंट शो करते हैं। फंक्शन लोकोमोशन में है बिल्कुल, अटैचमेंट में भी होता है और फीडिंग एंड सेंसेशन के अंदर भी होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर इस तरीके से क्या है, ये उनके अंदर पर्टिकुलर एक प्लेस होता है जहां से ये फूड को अंदर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं इस तरह से वर्लपूल क्रिएट करते हैं, ये मूव करते हैं, मूव करने की वजह से वर्ल्ड एक जैसे वो नहीं होता है पूरा एक ना पानी के अंदर, कई बार होता है ना कि गोल घूम जाता है पानी एक ही जगह पे, जिसकी वजह से भारी चीजें जो होती हैं वो यूं अंदर जाने लग जाती हैं, कई बार ओशियन में और इस तरह से तूफान वगैरह आता है तब दिखाते हैं। तो वो वर्लपूल जो होता है ना वो क्रिएट करते हैं इसीलिए अपने मूवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से पानी अंदर की तरफ जाता है, जब पानी अंदर जाता है तो फूड भी अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्लपूल क्रिएट करने का काम जो होता है वो सीलिया के थ्रू होता है, इसीलिए बोला है फीडिंग का काम भी कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हो गया यहाँ पे फंक्शन किसका, सीलिया का। फ्लैजिला के लिए देखें तो फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन के अंदर ही हेल्प करता है, क्लियर। तो ये चार्ट एकदम अच्छे से अपने माइंड में आप लोग रखेंगे, ये बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन, अब आ जाते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में। किसको बोलते हैं अभी सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है वो एक्चुअल में स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करते हैं, बट किसमें, एनिमल सेल के अंदर, याद रखिए एनिमल सेल में प्रेजेंट है। एस्ट्रल रेज के बारे में जब बात करते हैं तब वो उसके बारे में भी हम यही बोलते हैं, हम जब कंपैरिजन लेके चलते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का तो हम बोलते हैं एनिमल सेल के अंदर एस्ट्रल रेज फॉर्म होती है जबकि प्लांट सेल में नहीं होती। रीजन, क्योंकि वो रेज जो होती है वो सेंट्रियोल से निकलती है। डायग्राम अगर कुछ याद होगा रफ सा आप इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पे डबल होते हैं और एक दूसरे पे इस तरह से 90 डिग्री पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, तब हम इसको सेंट्रोसोम बोल रहे हैं, ठीक है। बट जब ये दोनों एक एक सिंगल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो इनके चारों ओर के जो मटेरियल प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं पेरिसेंट्रियोल मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रोसोम, अकेले सिंगल को हमने बोल दिया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, सेंट्रियोल जो होता है उसकी 9+0 अरेंजमेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट है याद रखने लायक, मैं वही चीजें आपको बता रही हूँ। 9+0 अरेंजमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। सेंट्रल के अंदर क्या है, कोई भी हम ये बोल रहे हैं कि माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट नहीं है, बट जो पेरिफ्री होते हैं जो 9 जो होते हैं वो ट्रायड के फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसका क्लियर स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं इसको बोल सकती हूँ ए बी एंड सी, इस तरह से 9 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 9, इस तरह से 9 जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं पेरिफ्रीली, पर ये होते किसे, ट्राइड के फॉर्म में होते हैं, तीन तीन होते हैं। अगर मैं इसको क्लियर करके बताऊं तो मैंने आपको बोला माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर का जब टीएस सेक्शन लेते हो आप तो आपको उसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। तो 13 आपको क्या मिलते हैं, प्रोटोफिलामेंट देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ ए। अब जब बी बनता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसमें 10 ही होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 जो होते हैं वो ए वाले ही इसमें काउंट होते हैं, इसीलिए 13 हो गए। देन फिर नेक्स्ट सी जो है उसमें भी कितने होते हैं, उसमें भी हमें 10 ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सी। सी तो ए में कितने हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट, बी में कितने हैं, 10, एंड सी में कितने होते हैं, 10, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से ट्रायड जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और ए सी से कनेक्टेड रहता है, इसका ए जो है वो दूसरे के सी से क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा इंटरब्रिज के थ्रू, ठीक है। बट वो इतना डिटेल स्ट्रक्चर हमारे एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है तो हमें देखना भी नहीं है, बट जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा तो उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए। तो इतना बहुत है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल करता है सेल के अंदर, हम ये बोल सकते हैं कि जो करेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, किस तरह के एक्टिविटीज हो रही हैं, कंट्रोल रूम की तरह हो गया न्यूक्लियस। कैसे, न्यूक्लियस जो है वो डीएनए उसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए जिस तरह की प्रोटीन बनाएगा उसी तरह के करेक्टर डेवलप होंगे, उसी तरह की बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिक जो है वो एक्टिविटीज होंगी। तो एक तरह से कंट्रोल रूम ही तो हो गया ये। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, सबको मालूम है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको किया है, इसको स्ट्रेन किया जा सकता है बेसिक डाइस से, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा कुछ यूकैरियोटिक सेल लाइक सीवी ट्यूब्स, अगर हम बात करेंगे मैच्योर आरबीसी की, तो उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस की क्वांटिटी एक से लेकर उससे ज्यादा हो सकती है, तभी तो हम बोलते हैं ना कि एक सिंगल न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है कोई सेल और मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिंस आईटीएल कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। किसमें मिलती है भाई, मसल्स के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है, मसल्स में होती है ना सिंस आईटीएल कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें देखने को मिलती है। चलिए तो न्यूक्लियस की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, क्लियर। अगर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो ये आपका सेल है राइट, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर जो है, इनको क्रोमेटिन फाइबर जो है डीएनए को, इनको नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। क्रोमेटिन फाइबर आप बोलते किसको हो, तो हम बोलते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है, यानी डीएनए जब कंडेंस होना शुरू होता है, ऐसे तो नॉर्मली वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और धीरे धीरे कंडेंस होती है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, जो नाम दिया है किसने, फ्लेमिंग ने हमें दिया है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन होती है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है, ये है इसके अंदर, सॉरी एक ही कलर से आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम ये जो है, ये है इसके अंदर न्यूक्लियर पोर, ये है पोर और ये है मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन है, ये है मेम्ब्रेन, और इसी मेम्ब्रेन से इस तरह से आगे की तरफ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्सटेंड हुए हमें मिलते हैं, अटैच रहते हैं। तो राइबोसोम जो है बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में वो न्यूक्लियस से भी अटैच मिलते हैं और हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी से भी अटैच मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसीलिए प्रेजेंट है, जहां ज्यादा भोजन मिलेगा वहीं पे तो क्या है, लूट पड़ते हैं ना सब, वैसे ही डीएनए बाहर आता है, डीएनए से जो है एमआरएनए फॉर्म होके बाहर आता है, राइबोसोम मिल जाता है, उसे अटैच हो जाते हैं एंड क्या करते हैं, फिर प्रोटीन बनाते हैं भाई। तो इस वजह से राइबोसोम जो है वो यहाँ पे अटैच मिलते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर हमें एक डेंस स्ट्रक्चर और देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और इसकी खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी। तो ये तो आप सब लोगों को याद ही है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में आपको रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोलस आरएनए सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करता है, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिए। और न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो जिससे उसकी क्या है, सेल डिवीजन के टाइम पे अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसी के अलावा डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनाता है, और न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल इसी वजह से है क्योंकि इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले हो रहा है न्यूक्लियस की वजह से। सॉरी, चलिए
नाउ द नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्रोमोसोम की, तो जब हम क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर जब डीएनए है और वो डीएनए क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंस होता है ना, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे प्रोफेज जब स्टेज आती है सेल डिवीजन की, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे हमें बोलते हैं लेट प्रोफेज तक, और जब प्रोफेज के बाद में लेट प्रोफेज तक कंडीशन ही आती है कि वो मेटाफेज टाइम के स्टार्टिंग में ही पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं, शॉर्टर एंड थिक हमें नजर आने लग जाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्रोमोसोम वर्ड यूज करते हैं, जिसके लिए जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे हम इसके शेप की, स्ट्रक्चर की स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब प्रोफेज मेटाफेज जो है, मेटाफेज पे जब ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, एंड देन ये क्रोमोसोम जो है एनाफेज के अंदर ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एनाफेज के टाइम पे जो है आप क्या कर सकते हो कि जो आप ये क्रोमोसोम जो है इनकी जो शेप होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, आप उसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये चार तरह के हो सकते हैं, कैसे है, शेप की स्टडी कर सकते हो, चार तरह के ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, क्लियर। मेटासेंट्रिक किसको बोलते हैं, मेटासेंट्रिक का मतलब ये हो गया जब सेंट्रोमियर जो है वो एकदम मिडल के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, और जिसकी वजह से दोनों आर्म्स जो है वो इक्वल साइज की हो। हम ये भी बोल सकते हैं वी शेप जब स्ट्रक्चर होती है इनकी, तब उसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। फिर हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, जब ये सेंट्रोमियर जो है ये सेंटर से थोड़ा सा क्या हो जाता है, घिसक जाता है, जिसकी वजह से एक आर्म थोड़ी छोटी और एक आर्म जो होती है वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। आप इसको एल शेप भी बोल सकते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट एंड, टिलोमियर की तरफ ऑलमोस्ट एंड पोर्शन के अंदर क्या होता है, ये सेंट्रोमियर घिसका हुआ होता है, जिसकी वजह से जे शेप जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। टीलोसेंट्रिक इसको बोलोगे जिसके अंदर लास्ट आर्म जो है, शॉर्टर आर्म जो है, वो या तो बहुत छोटी प्रेजेंट है या फिर बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, टीलोसेंट्रिक बोलते हो, इसको आई भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सेंट्रोमियर एकदम एंड पर, टीलोमियर पर घिसक जाता है, ठीक है। इसकी जो छोटी आर्म है, शॉर्टर आर्म, उसको पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को हम क्या बोल सकते हैं, क्यू आर्म बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया क्रोमोसोम के बारे में, और इसी के साथ में आपका साइटोलॉजी का ये सेल चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से बताइए, अगर आपने पूरा वीडियो फॉलो किया है तो आप जरूर बता देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए बताना है। फोंटाना ने डिस्कवर किया है, और भाई क्या किया है इसने, ये जो है आरएनए सिंथेसिस के अंदर जो है रोल प्ले करता है, राइबोसोम, राइट, राइबोसोम आरएनए, आरआरएनए जिसको हम बोल सकते हैं। तो लार्जर न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, इट इज ए मेम्ब्रेन, डिवाइडिंग सेल में कैसे हो सकता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जहां होगी वहां ज्यादा लार्जर ये होगा। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, नो, इट इज टेक पार्ट इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन में नहीं रोल प्ले करते, माइक्रोट्यूबुल्स रोल प्ले करती है। इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो हमारा ऑप्शन फोर जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड एज, ये तो मैंने आपको बता दिया, शॉर्टर आर्म को पी बोलते हैं और लॉन्गर आर्म जो होती है उसको क्यू बोलते हैं, ये क्वेश्चन है, बाकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये चीज, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर पिछले कुछ सालों में आ चुका है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, एटीपी फॉर्मेशन का जब भी नाम आए दिमाग में एक ही ऑर्गेनेल आता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ देख लीजिए भाई कौन है एटीपी फॉर्मेशन के लिए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो आंसर होगा फोर। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, डीएनए किसमें नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, लाइसोसोम में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में है, वैक्यूल में नहीं है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स दोनों में ही नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में है, एनवेलप पे नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारे लिए, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, क्योंकि दोनों के अंदर ही नहीं है। चलिए ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है, ठीक है। एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद द इनफोल्डिंग्स, बिल्कुल क्रिस्टल जिसको हम बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, ये भी राइट है, बट जो मैं
ये एंजाइम्स है वो एसोसिएटेड होते हैं विद द इनर मेम्ब्रेन. ऑप्शन टू जो है वो हमारा राइट है. ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच बताना है. देखिए लैम्ब्रश क्रोमोसोम ये सब चीजें जो है वो आपकी मेंशन नहीं है, मैंने एक्सप्लेन नहीं की, इसी क्वेश्चन से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं. लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लोटिन हम बोलते हैं बाइवेलेंट्स जो होते हैं डिप्लोटिनी जो है उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. और एलोसोम जो है उनको हम सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं हम नॉर्मल जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनको. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो हैं वो एल शेप में होते हैं, ये तो हमने अभी अभी किया ही है. पॉलीटिनी क्रोमोसोम जो होते हैं ऊसाइट्स ऑफ एम्फीबियंस जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है हमारे पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है. पॉलीटिनी क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं भाई, सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला पॉलीटिनी क्रोमोसोम उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल. तो ये ऊसाइट्स ऑफ एम्फीबियंस ये हो गया रॉन्ग आंसर, देन ये हो गया हमारा राइट आंसर. चलिए नाउ द नेक्स्ट, माइक्रोट्यूबल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ किस, क्या बनाते हैं भाई, सीलिया फ्लैजिला एंड परोक्सिसोम नहीं, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियल एंड सीलिया, यस सेंट्रियल स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमेटिन नहीं, डीएनए बनाता है, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल नहीं. तो ऑप्शन थ्री जो है वो हमारा राइट है. आप लोग भी समझ गए होंगे क्यों बनाया भाई. सेंट्रियोल जो है वो फॉर्म करते हैं माइक्रोट्यूबल बिल्कुल, स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म करते हैं, सॉरी मैंने गलत पे टिक मार किया, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं, सेंट्रियोल्स फॉर्म करते हैं, सीलिया के अंदर बेसल बॉडी को फॉर्म करते हैं. ऑप्शन टू जो है वो हमारा राइट है. क्लियर, चलिए नाउ द नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, भाई स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं, तो क्रोमोसोम जो है उसके अंदर ये जो काइनेटोकोर प्रेजेंट है यहीं से क्या होते हैं स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम से अटैच होते हैं. तो ऑप्शन टू जो है वो हमारा राइट है, काइनेटोकोर से. क्लियर, तो ये है कुछ फॉलो अप क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देने हैं. तो ये प्लीज फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है क्वेश्चंस, कुछ और है आप लोगों के लिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तो ये है फॉलो अप क्वेश्चन. आप लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा, तो फटाफट से इनके आंसर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में और मैं आप लोगों को रिप्लाई बहुत जल्दी करूंगी. और इसी के साथ में आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं हमारी ऐप पे जाके, वहां पे अभी वो ओपन है. मेरे वीडियोस जो है लगातार देखते रहिए, बहुत बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है. आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय.